इतना क्यों घबरा रही? ओहो, प्लेन में पहली बार बैठी हो, वरना तो हमेशा नीचे से जहाज को देखकर प्लेन को बाय बाय किया होगा, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सिखा देता। देखो, इसको बोलते इन फ्लाइट मैगजीन, और ये सीट के बीच में ऐसे सीधा हो जाता है। चलते ही आर्मरेस्ट और ही नीचे रही है, जाए तो न जा ही तो रहे सीधा विदेश। बस फ्लाइट टेक ऑफ करने ही वाला है। जी, गुड न्यूज, फ्लाइट टेक ऑफ होने ही वाली है। बस कुछ ही देर में हम प्रस्थान करेंगे, आशा करते हैं आपकी यात्रा सुखद हो। आई होप अब तक आदित्य भी हार मान चुके होंगे। एक्सक्यूज मी सर, सर हमारा नाम आदित्य कुमार त्रिपाठी है, हम रिपोर्टर है भास्कर टाइम्स में। हमारी पत्नी इमली त्रिपाठी आज सुबह हमारे हमारे घर से किडनैप हुई थी और उसे इसी एयरपोर्ट पे लाया गया। आप प्लीज सारी फ्लाइट्स रुकवा दीजिए। फ्लाइट्स रुकवा दें? देखिए सर, आप जो कोई भी हो, किसी के कहने से फ्लाइट नहीं रुकती। और फिर क्या सबूत है कि आपकी वाइफ यहाँ पर है? ये पर्ची हमारी वाइफ अपने साथ लेकर गई थी, ये यहाँ पर पड़ी हुई मिली सर, ये उसका सिग्नल, ये हमारी पत्नी का हमारे लिए सिग्नल है। हम कह रहे हैं सर, प्लीज सारी फ्लाइट्स रुकवा दीजिए। देखिए, आप अपने आप को रिपोर्टर बोलते हैं तो आप में इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए कि आपके कहने भर से और इस कागज के टुकड़े से हम ये कैसे मान लें कि इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच कोई किसी को किडनैप करके बिना उसकी मर्जी से यहाँ से ले जा रहा है। इंडिया से बाहर नेक्स्ट फ्लाइट कौन सी जा रही है? 10 मिनट में टेक ऑफ होने वाली है। तो सर सारी फ्लाइट छोड़ दीजिए, आप सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट रुक लीजिए। सर हम रिपोर्टर है, हम वो खबर लेकर आए हैं जो कोई और आपको नहीं दे सकता। हम आपसे कह रहे हैं ये हमारी पति का फोटो है। अब एक बार वो फ्लाइट रुकवा लीजिए, अब चेक कर लीजिए, उसके बाद वो फ्लाइट जाने दीजिए। ये इमली त्रिपाठी, ये उसी फ्लाइट में है सर। अच्छा, 2 मिनट, आप एक बार चेक कर लीजिए। आप 2 मिनट फ्लाइट जाने दीजिए। 2 मिनट रुकिए आप। हेलो, यस सर, फाइनल चेक कर लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिस पर शक हो। ओके सर। नहीं सर, उन्होंने सिर्फ ऐसे ही रैंडमली चेक किया है सर। सर ये फोटो के साथ चेक करवा लीजिए ना, आप फोटो के साथ एक बार चेक करवा लीजिए। हम कह रहे हैं हमारी पत्नी उसी फ्लाइट में। देखिए मिस्टर त्रिपाठी, आपके नाम और रेपुटेशन की वजह से हमने एक बार ट्राई किया, आपकी खबर गलत भी तो हो सकती है। ऐसे कैसे, हम कह रहे हैं ना, हमारा दिल कह रहा है, हम कह रहे हैं आपको, हमारे पास हमारे सोर्सेस कह रहे हैं वो त्रिपाठी, आप जाइए यहाँ से, नहीं तो मुझे पुलिस नहीं जाएंगे, हमारी पत्नी को आप जाइए यहाँ से, कैसे जाएंगे, आप बात सुनिए। चुप, तुझसे 2 मिनट बात क्या कर लिया मैंने, तू तो तमाशा करने लग गई। चुप हो जाओ, नहीं तो तेरी माँ को उठवा दूंगा। चुप, दादाम फेल हुए वाले हमका कुछ याद ही नहीं होते, ये बहुत मुश्किल है। दुनिया में सब कुछ बहुत मुश्किल होते हैं दादा, नौके पहाड़ से ज्यादा मुश्किल ना कुछ नहीं होता दुनिया में। अब तुम्हें बताओ कि नौ चौके कहाँ होते हैं। दादा तुम उन पे हंसे तो दादा, बजीपी का परचन है सीता मैया संभालने वाली नहीं, हमका ही सब कुछ करेगा, हमका ही यहाँ याद ही नहीं होते, क्या करिए हम फेल हो जाइए। तू कब आऊ फेल ना बेटिया, हम जानते हैं तू बहुत बुद्धिमान है। चल हमारे एक सवाल के जवाब दे, 4 नवा कितना होता है? 36। नौ चौका दादा वही कहता कि नौ का पार 36। 36 मतलब 4 नंबर 36 और 9 चौके 36। हाँ, दोनों 36। हमें बैल बुद्धि हमसे कुछ नहीं होता है। अरे हमारी बिटिया बैल बुद्धि नहीं है, खबरदार हमारी बिटिया के बैल बुद्धि का इस तो ये दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। अच्छा एक हमारे सवाल के जवाब दे जी, दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति का नाम? घबराहट में ना दुनिया के हर व्यक्ति अपन सुध-बुध खो देते हैं। जब ऐसी घबराहट हो ना बिटिया, तो आंखें बंद करना और लंबी सांस लेना, काहे कि तुहार हर मुश्किल के जवाब तुहार मन के पुस्तकालय में बंद है। बस आंख बंद कर और जौन पुस्तक चाहे खोल के पढ़ ले, बाकी सब सीता मैया संभाल ले। Thank you.
जय सीता मैया की। सब जवाब हमरे मन की लाइब्रेरी में बंद है, बस सही किताब खुलकर पढ़िए और जवाब मिल जाएंगे। और देखो, इसको बोलते हैं इन फ्लाइट मैगजीन। क्या कर रही? तुझे पढ़ना लिखना भी आता है? नहीं, पढ़ना लिखना नहीं आता है, पर सीता मैं आके दिए से ना तो हम डर भगाए के खातिर ये फोटो तो देख सकते ना। कोई होशियार ही नहीं है? हम कब आ रहे हैं? आप होशियार हैं? क्या कर लिया हम? कहाँ जा रही हो? बाथरूम। मैं भी चलूंगा। सर, वहां एक ही वॉशरूम है, आप उधर यूज कर लीजिए। ये मेरी पेशेंट, अगर कहीं कुछ हो गया तो आप जिम्मेदारी लेती? ओके। रुको, कहीं तुमने कुछ बिगाड़ तो नहीं दिया? चलो अब। Are you fine, ma'am? जी, और भाई सिंह भी, बाकी सब
ऊपर वाले पर है। ओके, आप अपनी सीट पे बैठ जाइए और प्लीज बेल्ट बांध लीजिए। सर आप भी। कुछ तो प्रॉब्लम है। वो लड़की क्या बात कर रही थी? ऊपर क्या? हेल्प। प्लीज सीट बेल्ट बांध लीजिए। की सजा तुझे नहीं, तेरे घर वालों को मिलेगी। किसी को नहीं छोड़ो। पे बोझ खुद को मर्द कर दो ना। ये सारी बेचारियों के साथ जबरदस्ती करने के बाद खुद पर मर्द होए का मान होता है? हमका तुम्हारी अम्मा के खातिर दुख होते हैं कि ऐसा बिटवा को जन्म देवे के बाद वो कितना पछतावत हुई है। जो उन औरत की इज्जत नहीं कर सकता है उसका सर उठा के चले का तुम उसका बेचे खातिर चले रहे। हमका धमकी दोगे? हमारे परिवार को धमकी दोगे? हमारे परिवार की जान लोगे? इतनी हिम्मत आई कहां से? छोड़िए नहीं, हम कौनों को नहीं छोड़िए। आप जय सीता मैया की। रुकिए मिस्टर त्रिपाठी, आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक थी। आपकी वाइफ मिल गई है, यहीं पर है। चलिए हमारे साथ। जी आप लोग यहीं रुकिए। इमली, आज तुमने तो हम सबको बचा लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अरे हम ऐसे कौनों को बचाए वाला मौत कौन है? ये सब तो सीता मैया की कृपा है। पर तुम सब लोगों ने याद रखना कि कबो ऐसे कौनों अनजान आदमी पे भरोसा नहीं करना, समझे? आपने बहुत हिम्मत दिखाई मैडम, वरना प्लेन में किसी को शक तक नहीं हुआ इन लोगों पर। अगर आपका हेल्प का मैसेज नहीं मिलता ना और फ्लाइट टेक ऑफ हो जाती तो बात हमारे यहाँ से निकल जाती, हम कुछ नहीं कर सकते थे। सर हमका तो उबकर जो समझ में आया वो कर दी, पर आप एक चीज कर दिया प्लीज, आप वो एयर होस्टेस दीदी को थैंक यू बोल दिया अपनी तरफ। ऑफ कोर्स। और सर वो जॉन वो डॉक्टर रहे ना जॉन हमारे चेकअप करे खातिर आए रहे, वो भी लोगों के साथ मिले रहे। आप उसकी बिल्कुल फिक्र ना करें, अब वो हमारी कस्टडी में है। हाँ, आप लोग का मेडिकल चेकअप हो जाए फिर आप लोग को घर छोड़वा दिया जाएगा। और एक बात और, आप में से जो भी अपने घर वालों से बात करना चाहे वो मुझे बता सकता है। बाबू साहेब
ठीक हो? हाँ हम ठीक हैं, पर बाबू साहब घर वाले अभी भी मुसीबत में हैं। मतलब आई एम श्योर आपको पैसे मिल गए होंगे, लेकिन ये हमारी तरफ से आपके लिए। उस नौकरानी को हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए निकालने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब हो गई ना दोस्ती हमारी, अब दोस्त को ना कैसे कह सकते हो? रजनी देवी दोस्ती में बड़ी पर्टिकुलर है। मॉम, आई थिंक मैं घर चली जाती हूँ। वो इमली की वजह से सब परेशान होंगे और आदित्य भी अब तक आ चुके होंगे। श्योर श्योर बेटा, श्योर आदित्य को रोने के लिए किसी कंधे की जरूरत तो होगी होगी। एंड मेक श्योर कि अब से सिर्फ तुम उसके साथ रहो, ओके? बाय मॉम, बाय, ऑल द बेस्ट। बॉस का फोन लगे ना लगे, इन सबको जिंदा नहीं छोड़ सकते। ना कर, इन लोगों ने हमारा चेहरा देख लिया है। काम करो, इन सबको लाइन से खत्म करते हैं। दरवाजा तोड़ दो। नहीं नहीं, रुक जाइए। अगर घबरा के वो लोगन गोली चला दे तो फिर हमारे परिवार पर खतरा बढ़ जाएंगे। कि मैडम, अगर दरवाजा हम नहीं तोड़ेंगे तो फिर अंदर से वो नहीं खोलेंगे। दरवाजा बंद हो, ऐसे रास्ते बंद नहीं हो जाते इंस्पेक्टर साहब। आप लोगन यहीं रुकिए, हम कुछ हो करते, आप सब यहाँ रहिए, हम आवत है। परिवार है, अगर हमारे परिवार में से किसी को भी थोड़ी भी खरो चाहिए ना, तो मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बुड्ढा, चुप, गुस्सा शुरू करो। अरे ये लोग कौन होते हैं हमारे यहाँ में? हमें क्यों बंदूक दिखा रहे हो? भाई साहब, भाई साहब, शांत हो जाइए। तुम मारोगे ना? तुम लोग भी बचोगे? तू ऐसे नहीं मानेगा। अंदर घेर ले तुमको। कहाँ जाएगा? अरे पुलिस को बुलाओ। आदे, आदे। अरे आइए, चल चल। अरे आप शांत हो जाइए ताऊ जी, आपको कुछ हुआ तो नहीं? हाँ ठीक है बेटा, तू ठीक है? सब ठीक है? हाँ तू ठीक है ना? माँ पापा ठीक तो है ना? भगवान का शुक्रिया कि तू ठीक है बेटा।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।